हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कच्चे अंडे की एकदम नई और यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से जब आप कच्चे अंडे की ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो इतनी ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होगी कि आप सारे पुराने तरीके भूल ही जाएंगे। तो फिर चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं इस यूनिक रेसिपी को। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 5 अंडे लिए हैं। अंडे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिएगा, अंडों को इस तरीके से तोड़ना है और एक बाउल में या प्लेट में निकाल लेना है। तो सारे अंडों को हम इसी तरीके से तोड़कर पहले एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब एक मिक्सिंग बाउल में एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक काट कर डालेंगे। साथ ही में 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे और हमने जो अंडे फोड़ कर रखे थे ना, उनको भी हम बाउल में डालेंगे। साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और विस्कर की हेल्प से या किसी स्पून की हेल्प से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जिस तरीके से जब हम ऑमलेट के बैटर को मिक्स करते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसे भी मिक्स करना है। यहाँ पर देखिएगा, अंडे के बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और अब देखिएगा, हमने यहाँ पर ये 4 कटोरियाँ ले ली हैं। तो सबसे पहले हमें कटोरियों को अच्छे से तेल से ग्रीस करना होगा। इस तरीके से कटोरियों में तेल लगाने से अंडा जो है वो कटोरियों में चिपकेगा नहीं। तो सारी कटोरी में हम इसी तरीके से ऑयल को लगा लेंगे और अब देखिएगा, हमने सारी कटोरियों में तेल को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से पहले हम बैटर को एक बार अच्छे से चला लेंगे और किसी बड़े चम्मच की हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा बैटर सभी कटोरियों में डालेंगे। ये देखिएगा, हम इसमें लगभग आधा कटोरी बैटर डालेंगे, क्योंकि ये बैटर जो है वो फूलेगा, इसलिए हम इसको आधा कटोरी ही डालेंगे। इसी तरीके से हम सारी कटोरियों में बैटर डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने बैटर को 4 कटोरियों में बराबर मात्रा में डाल लिया है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म करेंगे। और तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही में 1 तेज़पत्ते को तोड़कर डालेंगे और 1 बड़े साइज के प्याज को बारीक बारीक काट कर डालेंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर हमें प्याज को अच्छे से चलाते हुए भूनना है। प्याज को हमें जब तक भूनना है जब तक कि प्याज का जो कलर है वो अच्छे से गोल्डन कलर का ना हो जाए। तो चलिए, जब तक प्याज भून रही है, हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले एक मिक्सी के जार में 1 मीडियम साइज के टमाटर को रफली काट कर डालेंगे। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, लेकिन मेरे पास जो ये लहसुन है वो बड़े साइज का लहसुन है, इसलिए मैं इनको 4 से 5 ही डाल रही हूँ। आपके पास अगर पतला लहसुन हो तो आप 10 से 12 कलियां लहसुन की डालिएगा। और साथ में हमने यहाँ पर देखिएगा, 1 इंच अदरक का टुकड़े को बारीक काट कर डाला है। इस तरीके से डालने से अदरक जो है अच्छी तरीके से पिस जाता है। और 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 से 3 लौंग डालेंगे और इसी के साथ इसमें 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 1 बड़ी इलायची यानी कि काली वाली इलायची और 2 हरी इलायची डालेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ये 1 चम्मच पॉपी सीड्स यानी कि खसखस लिया है, इसको भी डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एग करी में। और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सभी मसालों का फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और ये देखिएगा, एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। बस इसी तरीके का पेस्ट हमको यहाँ पर चाहिए। तो चलिए, इसको भी साइड में रखते हैं। और दूसरी तरफ देखिएगा, प्याज भी जो है हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से भुनने लग गई है। प्याज पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आने लग गया है। तो चलिए, गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि ये तीखा कम होता है और इससे ग्रेवी में कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे। और अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। याद रखिएगा, जिस टाइम पर हम ये मसाले डालेंगे उस टाइम पर गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, वरना मसाले जो हैं वो जल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। तो इस टाइम पर टमाटर, अदरक, लहसुन और मसालों का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था उसको भी डालेंगे और अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। और अब इस पेस्ट को हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो चलिए, पहले हम पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पर टमाटर डाल दिया है, तो इसी के साथ हम इसमें नमक भी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो हमने देखिएगा, जो मसालों का पेस्ट बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दिया है, क्योंकि मसालों को हम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और अब देखिएगा कढ़ाई में हम इस तरीके से कटोरी या बाउल रखेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे ताकि जो बाउल है वो हिले ना। और अब इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे। फ्रेंड्स प्लेट की जगह पर आप कोई जाली भी रख सकते हैं। और अब देखिएगा इस तरीके से हमने जो ये अंडों का बैटर कटोरी में डाला था एक एक करके हम प्लेट के ऊपर रख देंगे। तो चारों बाउल को हम यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से प्लेट के ऊपर रख देंगे और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम कर रखा है। पहले हम इसको 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और उसके बाद लो फ्लेम पर ढककर हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा। और 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अंडा हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। देखिएगा जब हम इसमें नाइफ को इस तरीके से डालेंगे तो नाइफ जो है एकदम क्लियर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है कि अंडा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। तो सभी को हम इसी तरीके से चेक कर लेंगे। ये देखिएगा सभी अंडे बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो चलिए अब सभी कटोरियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा करने के बाद अंडा जो है कटोरी के अंदर से बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। और इनको निकालने के बाद हम मसालों को भी चेक करेंगे। तो इस प्लेट को भी हम हटाकर देखेंगे और ये देखिएगा हमारे मसाले जो है बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कटोरी है इसको भी हम निकाल लेंगे और इसके पानी को हमें फेंकना नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा मसालों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू निकल रही है और मसाले हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गए हैं। तो इस टाइम पर हम मसालों में 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही जो हमने ली है एकदम फ्रेश दही है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। और अब दही को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भुनना है, जब तक कि दही और सभी मसाले जो हैं वो ऑयल को पूरी तरीके से सेपरेट ना कर दें, जब तक हम दही और मसालों को भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने दही को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। मसालों को भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। तो चलिए ढक्कन हटाकर चेक करते हैं और ये देखिएगा मसाले जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। मसालों ने पूरी तरीके से ऑयल को रिलीज कर दिया है। तो एक बार फिर से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। तो सबसे पहले ये हमने वही पानी डाला है जो हमने कढ़ाई में कटोरी के अंदर रखा था और इसी के साथ हम इसमें लगभग आधा गिलास पानी और डालेंगे। वैसे ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। ग्रेवी को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। फ्रेंड्स कच्चे अंडे की ये रेसिपी बनाकर इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हम ग्रेवी में एक उबाल आने देते हैं और दूसरी तरफ देखिएगा हमने जो ये अंडे की ऑमलेट बनाई है ये भी पूरी तरीके से ठंडी हो गई है और आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद इन्होंने किनारों को छोड़ दिया है। तो चलिए इनको आप कटोरी से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए देखिएगा एक नाइफ की हेल्प से चारों तरफ इसको इस तरीके से घुमाएंगे और इस तरीके से देखिएगा इसको उल्टा करते हुए हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से देखिएगा हम सारी ऑमलेट को कटोरी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने चारों ऑमलेट को कटोरी से निकाल लिया है और ये देखिएगा एकदम परफेक्ट हमारी मिनी ऑमलेट बनकर तैयार हुई है, अंदर से एकदम स्पॉन्जी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं नाइफ की हेल्प से इनके एक ऑमलेट के 2 पीस कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन जब इनको काट कर डालेंगे तो मसाले जो हैं इनके अंदर तक बहुत ही अच्छे तरीके से चले जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको इस तरीके से काट कर डाल रही हूँ। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे पीसेस को काट कर तैयार कर लेंगे और ये देखिएगा हमारी ऑमलेट अंदर से एकदम स्पॉन्जी और जालीदार बनकर तैयार हुई है और दूसरी तरफ देखिएगा ग्रेवी में एक बहुत ही अच्छा सा उबाल भी आ गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब एक एक करके अंडे के सभी पीसेस को हम ग्रेवी में डालेंगे। फ्रेंड्स मेरे कहने पर एक बार इस तरीके से आप कंचे अंडे की ये रेसिपी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमने अंडे के सभी पीसेस को ग्रेवी में डाल दिया है। एक बार इनको हल्का सा चला देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें अब बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी हैं तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिएगा हमारी सुपर टेस्टी और एकदम नए तरीके की कच्चे अंडे की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। एकदम सॉफ्ट हमारे अंडे के पीसेस बनकर तैयार हुए हैं और मसालों का जो फ्लेवर है इनके अंदर तक बहुत ही अच्छी तरीके से चला गया है। और ग्रेवी भी देखिएगा एकदम परफेक्ट ग्रेवी का टेक्सचर है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती रहेगी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमने ग्रेवी को इतना ही पतला रखा है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। तो
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की बनाई कच्चे अंडे की एकदम नई और यूनिक रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।